वेलकम माय स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर, बच्चों का पटेल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों आज लोग अवकाश समीकरण कक्षा 12 में अवकाश समीकरण पढ़ेंगे। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आता है और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, तो प्रयास कीजिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। देखिए बच्चा, क्वेश्चन है अवकाश समीकरण डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इक्वल साइन 2x को हल कीजिए। यदि दिया है y इक्वल 2 जब x बराबर 5/2, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग इसको डालते हैं हल, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए अवकल समीकरण दिया हुआ है dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल साइन 2x। बेटा देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक, इसकी तुलना अवकल समीकरण, आप यहां पर इसको ये देखो कि तुम्हारे दिया क्या हुआ है, ठीक, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है बेटा, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, अतः इसकी तुलना क्या लिखेंगे, चूंकि यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, अतः इसकी तुलना मैंने आपको दो टाइप के ये मतलब यहां पे लिखे हुए हैं समीकरण dy by dx plus py equal q या dx by dy plus px equal q, ठीक है, जो आपका बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये फर्स्ट टाइप का है, तो इसलिए इसकी तुलना करेंगे dy by dx plus py इक्वल क्यू से। तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर वाई को छोड़ दीजिए, वाई को छोड़ दीजिए, माइनस का 3 cot x इसका आएगा p की जगह में, इसलिए p कितना आया है माइनस का 3 cot x, बेटा इसे क्लियर है, ठीक है, और q यहां पर कितना बेटा है, q q मतलब sin 2x। पहला काम क्या करना होता है, वर्किंग रूल में बताया कि पहला काम होता है कि अवकल समीकरण को इस रूप में लिखना, ये इस रूप में है या इस रूप में है, देखिएगा ये फर्स्ट टाइप रूप में dy by dx plus py equal q, मैंने लिख लिया है, इसकी तुलना कर लिया है, तो p और q को मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसके बाद हम लोग करें क्या, इसका if निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, तो चूंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, क्लियर है, बस इसको आराम से निकालिएगा। यहीं पर समझना है कि यहां पर इसमें कैसे निकालते हैं, बेटा ध्यान दीजिए आप लोग भी, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी मतलब क्या है, माइनस का 3 cot x dx, क्लियर है, इसी पॉइंट को कल समझना है बस, ठीक है, इतना आ गया, यानी कि सोल्यूशन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3, वैसे अगर cot x की बात करें, cot x का जो समाकलन होता है log sin x, तो माइनस 3 और cot x का क्या हो जाएगा, log sin x हो गया, ये माइनस है, log के साथ मल्टीप्लाई में दिया है, इसका मतलब कहां रहा होगा, इसकी पावर मिला होगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं e की पावर log sin x की होल पावर माइनस 3। अच्छा यहां पर बेस क्या होता है, e, तो e की पावर log x बेस ऑफ e, तो जब ये मैटर होता है ना, तो ये बन जाता है, यहां जाता है, तो केवल आंसर केवल कितना आ जाता है, ये आ जाता है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, आई एफ साइन एक्स की होल पावर माइनस 3। अच्छा इसका मतलब क्या है, कि नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin x³ घात प्लस हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये 3 बार है, यानी कि ये साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं इसको, क्लियर है, ये समझ आया, तो इसकी जगह में जहां पर ये होगा वहां पर ये 1/sin³ लिखेंगे, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत अच्छा नहीं है, देखिएगा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन में हम लोग करते क्या है, ठीक है, करते क्या है, y इंटू आई एफ
इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एफ प्लस सी करते हैं। ध्यान रखिए तो वाई टू वाई रहेगा, वाई टू वाई रहता है, आई एफ का मतलब यहां पर कितना मैंने निकाला है। अच्छा इसको एक स्टेप अगर आप बढ़ा दें तो वन अपान साइन क्या होता है बेटा, वन अपान साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स। बात क्लियर है ना, इसे लिख सकते हैं वन अपान साइन मतलब क्या होता है कॉसेक क्यूब है तो क्यूब कर दिया, वन अपान साइन क्यूब एक्स को कॉसेक क्यूब एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख लिए गए इसकी जगह में कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बेटा क्यू, और क्यू यहां पर है क्या साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इंटू आई एफ कितना निकला है कॉस क्यूब एक्स, या इसे ही लिख सकते हैं हम लोग वन अपान साइन क्यूब एक्स, लिख दीजिए वन अपान साइन क्यूब एक्स, आप कॉसेक कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक क्यूब एक्स साथ डी एक्स प्लस सी बेटा इस क्लियर हो रहा है। अब देखिए वाई इंटू कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल साइन टू एक्स को बेटा फॉर्मूला आपको आना चाहिए क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है बेटा। यहां देखिए कॉसेक क्यूब एक्स है वन अपान साइन क्यूब एक्स, वन अपान साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए यहां पर एक साइन यहां पर दो साइन, तो एक साइन कट जाएगा दो बचेंगे, यानी कि इसको आप लोग जो है ना काटेंगे नहीं, अगले स्टेप इसको क्लियर कर देंगे। तो यहां पर इसे वाई अपान साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख देंगे इसको, यहां पर हो जाएगा टू बाहर कर दीजिए, टू बाहर कर दीजिए, यहां पर क्या आया टू बाहर कर दिया क्या बेटा कॉस एक्स, क्लियर ना, एक साइन ऊपर था तीन साइन नीचे, एक साइन कट जाएगा दो बचेंगे, यानी कि ये हाँ ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर मतलब क्या है, बहुत सारे समाकलन क्वेश्चन अपने ऐसे किया है, कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर मतलब क्या है कि कॉस अपान साइन कॉट हो जाएगा, कॉस अपान साइन कॉट हो जाएगा और एक साइन बचेगा वो ऊपर जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक। यानी इसे हम अगर करना चाहें तो करेंगे वाई अपान साइन क्यूब एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसे क्या लिख सकते हैं वन अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स, यहां पर सी करिए यहां भी सी कीजिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान दीजिए कॉस एक्स ये रखा है साइन दो बार है, साइन दो बार है तो यहां पर साइन टू साइन कर दिया हो गया। अब वन अपान साइन होता है कॉसेक और कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट, तो यहां पर वन अपान साइन क्यूब एक्स इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी, क्लियर है। अब कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स, क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, वन अपान साइन क्यूब एक्स इक्वल टू इसका हो गया माइनस कॉसेक, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी कर दिया बेटा, क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं आई। इसके बाद यहां पर देखिए इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर इसे अगर साइन करना चाहो साइन कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन करना चाहे तो आप साइन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, साइन ही कर लीजिए आप लोग इसको जब दिक्कत करेंगे, तो वन अपान साइन क्यूब एक्स इक्वल माइनस का टू ये कॉसेक है ना, यहां कर दीजिए साइन साइन एक्स प्लस सी, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा बेटा, बस इसको केवल क्या करना है, इसमें क्या कह रहा था ये इसका हल हो गया, अगर कहता केवल हल कीजिए तो यहां पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है हल होता, लेकिन संग में एक चीज कह रहा है, कह रहा है कि अगर इतना केवल क्वेश्चन आता इतना पार्ट आता तो यहां पर हम लोग इसको कॉसेक कर देते, यहां कॉसेक रहता आंसर छोड़ देते, या फिर ज्यादा इच्छा करेगा तो इसको आप इधर रह दीजिए मल्टीप्लाई में सॉल्व कर दीजिए, तो वाई इक्वल करके आ जाएगा, क्लियर है ठीक। इसके बाद अगर आपने ये क्वेश्चन दिया है, यदि दिया है वाई इक्वल दो जब एक्स का मान पाई बाय टू है, मतलब क्या है कि वाई का मान क्या रखेंगे दो, कब जब
x पाई बाई टू है तो y की जगह दो रखो और x से क्या रखेंगे पाई बाई टू। चलिए देखते हैं तो इतना हो गया आपका। उसके द्वारा निकलेगा क्या, उसके द्वारा निकलेगा क्या, उसके द्वारा कल c निकलेगा। क्या निकलेगा, ये जो हमने दिया है कल c निकालने के लिए है। जब y और x की वैल्यू रख देंगे तो उससे क्या निकलेगा, c निकलेगा। जो c निकलेगा उसको निकाल करके हम क्या करेंगे, इसी में रख देंगे। क्या करेंगे, इसी में रख देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर। टेस्टोमीटर यहां से देखिएगा, ठीक है, इसी में जब y इक्वल टू यदि क्या दिया हुआ है x इक्वल पाई बाई टू तो समीकरण एक से समीकरण एक यही है ना, रखिए y की जगह बेटा दो रखें, दो बटे साइन क्यू पाई बाई टू इक्वल माइनस टू अपान साइन पाई बाई टू प्लस सी। क्लियर है, साइन पाई बाई टू, टू अपान साइन पाई बाई टू मतलब नब्बे, साइन नब्बे का मान कितना होता है, साइन नब्बे का मान कितना होता है एक, एक का क्यूब बराबर माइनस दो बटे साइन नब्बे का मान एक प्लस सी, एक का क्यूब एक होगा, दो बटे एक बराबर माइनस दो बटे एक प्लस सी। ध्यान दीजिएगा एक से मतलब नहीं है, दो इक्वल माइनस टू प्लस सी, तो दो प्लस दो बराबर सी आ जाएगा, सी का मान कितना आया चार आया, तो सी का मान चार आ गया। ये सी का मान चार समीकरण एक रखने पर सी बराबर चार समीकरण एक में रखने पर बेटा एक में रखिए वाई अपान साइन क्यूब एक्स इक्वल माइनस टू अपान साइन एक्स प्लस फोर, या इसको ऊपर कर दीजिएगा वाई कॉस ए क्यूब एक्स माइनस इक्वल माइनस टू कॉस एक्स प्लस फोर, या से वाई निकालिए तो बिल्कुल गलत कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों या आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ये 8 मार्क्स का आएगा, 100% आता है, या तो ये आता है या तो इस टाइप का आता है। सो बेटर बेटा ये होगा कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसके बाद देखिएगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्द से जल्द जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बच्चों कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।